नमस्कार भैया बहनी, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम हैं पूजा। शनिवार का ही जिला पंचायत के 21 वार्डन के खातिर 21 नामांकन फॉर्म भरे गए। पै कुछ वार्ड ऐसा रहे जोने माही एको नामांकन फॉर्म नहीं जमा कीनगा। शनिवार का ही पहले चरण खातिर 11 नामांकन भरे गए, जोने माही 5 थे महिला अभ्यर्थी रही। यही मेर से दूसरे चरण खातिर 10 नामांकन देगा, जोने माही 5 महिला रही। यही क्रम में ही वार्ड 19 और वार्ड 29 में एक महिला और एक पुरुष, वहाँ वार्ड 38 में दुई पुरुष, वार्ड 27 खातिर एक पुरुष, ऐसा ही वार्ड 24 में दुई पुरुष, वार्ड 25 में 3 महिला अभ्यर्थी फॉर्म भरी, वहाँ वार्ड 31, 32, 26 और वार्ड 28 खातिर एक और नामांकन नहीं जमा किएगा। यही पहला चरण खातिर वार्ड 8 से दुई महिला नामांकन, जबकि वार्ड 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 से एक और नामांकन फॉर्म नहीं जमा किएगा। वहाँ फॉर्म जमा करे वाले में कई अब पुरान ऐसा सदस्य फॉर्म भरे जयपुर के अपन भाग्य आजमावे चाहत रहे। कहाँ टोटल जो है 6 फॉर्म आए हैं। वार्ड नंबर 16 से एक आया है और 24 में 2 फॉर्म आए हैं और 25 में 3 आए हैं। बुलेटिन की अगली खबर है हनमना थाना के नियरे से, जहां शाहपुर मोड़ के पास युवक फांसी के फंदा में झूलत मिला है। वहाँ परिजन के आरोप है कि उनकर हत्या के बाद उनकर शव का फांसी में झुलाई देगा। अपना का बताए दें कि युवक के पैर जमीन में ही रखा है, यही लाने परिजन हत्या के आरोप लगाए रहे हम। वहाँ मृतक के पहचान सत्येंद्र मिश्रा, पिता राम विलास मिश्रा, उम्र 24 साल के तौर पर भय। जानकारी के लाने यह बताए दें कि युवक हनमना के शासकीय घरे में कोचिंग पढ़ावत रहे, जहाँ उनका शव मिला है। तनाव का बढ़ा देख के पुलिस FSL की टीम का बुलाइन है, जो मौका मुआयना करें। वहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता लग पाई कि युवक की मौत आखिर भय कैसन। बुलेटिन के अगली खबर है सतना से, जहां आधी रात के पुष्पराज कॉलोनी में बने गुप्ता पैलेस का ढाई देगा। ये समय में SDM के साथ मौका माही पुलिस बल रहा। पहले तो संचालक विरोध करीन, जिसके बाद 3 जने का पुलिस गिरफ्तार कर रहे। खबर यह है कि गुप्ता बाउंसर के बल में जमीन में कब्जा करे रहे और वारिस के छुपाए के चोरी चोरी रजिस्ट्री कराए ले रहे। अभी मामला माही भागवत गुप्ता और राजस्व अमला के मिली भगत सामने आबल्ला ही बे, जो तीन दिना में राजस्व के अमला जमीन के नामांतरण कर दिन। कार्रवाई रात के 3:30 बजे भय, जोने के बाद भीड़ थाना पहुंची और कार्रवाई के मांग करी। तुम्हें किसने गिराने के लिए गया थी? कोई रेवेन्यू अधिकारी था तुम्हारे साथ? बढ़ने हो क्या? अरे ऑर्डर ठीक है, 5 बजे बिना नोटिस के बिना बिना किसने गिराने के लिए बताइए। कौन बोला? गुंडे है क्या कि अपने से करेंगे? उन्होंने कहा कि साहब ने नगर निगम को लिखा, जवाब दिया आपको नगर निगम को लिखा, नगर निगम ने कुछ लिखित में दिया इनको? कलेक्टर ने लिखा नगर निगम क्या? तो अभी तक किसी ने उसमें किरानवे के लिए किसी ने आदेश दिया? पहले तो नोटिस जारी कर दी। नोटिस जारी। जिला माही मोटरसाइकिल चोरी जाए की घटना बढ़ते जात लाही बे। ऐसा कोनो दिन नहीं आए जोने दिना एक दर्जन से अधिक गाड़ी चोरी न होए। पर अगर पकड़े जाए के बात करी तब मुश्किल से हफ्ता में एक ठे या दुई ठे चोर पकड़े जात हमा। अब यही से अपना अनुमान लगाए ले कि चोरी कतनी हो रही है। खैर यह में के चोरी के घटना CCTV कैमरा में रिकॉर्ड भय। चोर बहुत इत्मीनान से काने में फोन लगाए के एक कई झांकिस और मौका पौत मोटरसाइकिल लेके फुर होएगा। यह फुटेज का ध्यान से देखा अपना पचे और अगर यमे आदमी अपनों का कहाँ दिखाए तो ओखर जानकारी अमहिया पुलिस का जरूर दे। बुलेटिन के अगली खबर है बिछिया थाना क्षेत्र में से, जहाँ एक युवक के शव मिला है, जो उनके सिलपरा नदी में तैरत मिला। बमुश्किल से पुलिस शव का बाहर निकाले में सफल भय, जिसके बाद युवक के शिनाख्त जितेंद्र बंसल नैकिन के सीधी जिला के रूप में भई हुए। अपना का बताए दी कि जितेंद्र पोस्ट ऑफिस में ही काम करत रहे और 13 दिसंबर से लापता रहे, जिनकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई रही है। शरीर में ही चोट के निशान हमा, जोने से परिजन हत्या के शंका जताए रहे हमा। फिलहाल तो युवक के शव का संजय गांधी के मोर्चरी में रखवा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाए कि आखिर मौत भय तो भय कैसन के। जैसा की बसोर समाज के हैं, ये सीधी जिले के रहने वाले हैं। इनके बच्चे को 13 तारीख को, इनका कहना है कि मेरे बच्चे की हत्या हो गई,
वो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के पद पर वो बदस्त था। हमें 8 बजे फ़ोन हुआ, सीधी से एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, राजेश बसोर, कि सर ऐसी सी बात है, एक है मेरे समाज के बच्चे का मर्डर हो गया है और लाश मर्चुरी में रखी हुई है, आप जाकर देखिए। तो जब मैं यहाँ पर आया तो इनसे पूछा कि भाई लड़के का बाप कहाँ है और परिवार के लोग कहाँ हैं, तो इन लोग बच्चे के बड़े पिताजी का और बच्चे का ये पिताजी हैं, इनका कहना है कि हमारा बच्चा 13 तारीख को रामपुर नाइकिन से बघवार पोस्ट जहाँ सर्विस करता था वहाँ आया और वहाँ पर उसने 10 बजे एंट्री किया और सीसीटीवी कैमरे में 10:30 बजे किया। रीवा माही पुलिस प्रशिक्षण के सालामा प्रशिक्षण ले वाले पुलिस कर्मी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करी। कार्यक्रम में पीटीएस पुलिस अधीक्षक के साथ है कलेक्टर इलैया राजा टी और पुलिस कप्तान नवनीत भसीनव रहे। इस समय प्रशिक्षण पूरा करे वाले नव आरक्षक अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रदर्शन करें। रंगारंग कार्यक्रम के समापन पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सब प्रशिक्षण ले वाले आरक्षकन के उज्ज्वल भविष्य के कामना के साथ संदेश दिन कि जे आरक्षण के पास जौन टैलेंट है ओका बनाए रखा और अपने फिटनेस का ध्यान रखा। श्री भसीन यह कहें कि यह सौभाग्य के बात ही है कि अपना पंचे मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल भयन है, तो अपना वचन किया कर्तव्य है कि एक सम्मान बनाए रखी और मध्य प्रदेश पुलिस के नाम और रोशन करी। वहाँ कलेक्टर इलैया राजा टी अपने संबोधन में कहें कि पुलिस के वर्दी पहने के सौभाग्य अपना वचन का मिला है तो कर सम्मान बनाए रखी। अरे विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय, तो इस मंडे होने वाला है। सबसे पहले तो आप सबको बधाई है, आप लोगों ने इस सर्विस को चुना है और विद फ्लाइंग कलर्स आप लोगों ने इस सर्विस में ज्वाइन किए हैं और पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, अभी जंग के लिए तैयार हैं। सो पूरी तैयारी है आप लोगों का। सो आपको बधाई है, सभी को बधाई है। और जैसे एसपी साहब ने कहा आपका टैलेंट हम लोगों ने देखे, हमने भी अकेडमीज में बिना डांस डांस आती नहीं है बट फिर भी डांस करते थे जैसे का पार्टिसिपेशन के हिसाब से। बट मैं जस्ट दो ही पॉइंट है ना, सीरियस पॉइंट है ना, बात करके मैं मेरी बात का खत्म करूँगा। कोविड के दौरान आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा पूरी आम जनता है, किसी को हीरोज माना है तो वो डॉक्टर्स हैं और पुलिस पर्सनल है और हमारी सफाई कर्मचारी हैं। तो आप सभी को भी पता है कि पूरी समाज बहुत उम्मीद के साथ, बहुत अपेक्षा के साथ है ना हमको इन्हें देखती है। इसलिए हमको ये जब ये सर्विस में आए हैं, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम्स सारे लोग जानते हैं कि सिस्टम में बहुत सारे डेफिशिएंसी हैं, वो तो गवर्नमेंट एड्रेस करेगा ही करेगा। बट हमको ऐसे व्यक्ति है, गरीब असहाय या ऐसे व्यक्ति है जिनकी वॉइस नहीं है, उनको हमको है ना ज़्यादा सुनना चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए। न्याय सिर्फ करना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, इट सीम्स टू बी डन। तो मुझे लग रहा है आप लोग
न्याय का पहला दरवाजा तो कांस्टेबल्स है। पूरा लोग जब भी कोई भी पुलिस स्टेशन आते हैं सबसे पहले आपसे ही उम्मीद रखते हैं कि मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, मुलाकात करने का बीच में कोई मौका नहीं मिल पाया, अन्यथा बीच में आता मैं और हम लोग बैठ के एक परिचर्चा करते, आपस में खुल के बात करते, तो इसलिए मुझे लगा कि आपके कल्चरल प्रोग्राम को बीच में 5 मिनट अगर मैं ले लूंगा तो कोई बुराई नहीं है। और आप सभी लोग मुझे आशा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस का नाम रोशन करेंगे। लास्ट पॉइंट, सब लोग एक बात ध्यान रखेंगे, आपको हमेशा फिट रहने के लिए हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह से अपनी फिटनेस बनाए रखनी है तो आधा घंटा निकालना ही है। आधा घंटा आराम से आप लोग निकाल सकते हो, सुबह शाम कभी भी चाहो तो बिल्कुल निकाल सकते हो। सेकंड, आप में से कई लोग गाना गाते होंगे, कोई हारमोनियम बजाता होगा, कोई माउस हारमोनियम कुछ भी करता हो, कविता लिखता हो, जैसे अभी आपके साथी ने कविता सुनाई। अपना ये जो आपके अंदर क्षमता है, चाहे वो गायन की है, डांस करने की है, कविता गाने की है, गाना कुछ भी करने की है, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।